हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाहर किचन। आज हम बनाएंगे एक ग्लास क्रिसमस प्लम केक। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कप नारंगी ले रही हूँ, फ्रेश नारंगी। अब इसका हम जूस निकाल लेंगे। एक मिक्सी जार लेकर इसके अंदर हम नारंगी को डाल देंगे, डालकर इसका हम फ्रेश जूस निकाल लेंगे। देखिए, मैंने नारंगी का फ्रेश जूस निकाल लिया है। नारंगी को ज़्यादा नहीं पीसा है, दरदरा ही पीस लिया था। अब इसको हम छान लेंगे। एक बोल लेकर इसके अंदर एक छन्नी रखेंगे, इसके अंदर जूस डालेंगे, डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका जूस निकाल लेंगे। देखिए, हमारे नारंगी का फ्रेश जूस निकल चुका है, तकरीबन एक कप के करीब है ये। इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबलस्पून जितने चेरी डाल रही हूँ। मैंने चेरी को इस तरह से काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे जूस में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून अमरूद की कैंडी। इसके अंदर इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून एप्पल कैंडी। अब मैं यहाँ पे आधा कप जितने टूटी फ्रूटी ले रही हूँ। मेरे पास सिर्फ रेड थे, इसीलिए मैं रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हो। इसके अंदर डाल देंगे इसको भी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सुल्ताना, यानी कि काली किशमिश। इसको भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून किशमिश इसको भी डालेंगे। 2 टेबलस्पून कटे हुए खजूर, मैंने खजूर को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून काजू। काजू को इस तरह से मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी बॉल में डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, बादाम को भी मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छे से। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब 2 घंटे के लिए इसको हम सोक करके रख देंगे। देखिए, अब 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे फ्रूट्स भी अच्छे तरीके से सोक हो चुके हैं। ये देखिए, इसको अब हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब गैस पे एक पैन रखेंगे, इसके अंदर 1 कप शक्कर डाल रही हूँ, 200 ग्राम जितनी। डालकर शुगर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे। देखिए, अब हमारी शक्कर साइड से कैरेमलाइज हो रही है, इसको हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। देखिए, अब हमारी शक्कर मेल्ट हो रही है, इसको कंटिन्यूसली हिलाते हुए इसका कैरेमल बना लेना है। देखिए, अब हमारी शक्कर अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो चुकी है। आंच को हम धीमा करेंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर पानी मिलाना है। अब आंच को दोबारा से बढ़ा लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखिए, अब हमारा कैरेमल सिरप पक रहा है। गैस ऑफ करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब गैस पे एक कढ़ाई रख रही हूँ, इसके अंदर स्टैंड रखेंगे और कवर करके धीमे आंच करके इसको हम रीहीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक केक टिन ले रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब केक टिन के अंदर मैदा डाल रही हूँ, मैदा डाल के इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा मैदे को हम निकाल देंगे। इसको अब हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पे एक बोल ले रही हूँ
अब इसके अंदर एक छन्नी रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप मैदा ले रही हूँ, ये 1 कप और ये 1/4 कप, दोनों को भी इसके अंदर डाल देंगे छन्नी में। अब इसके अंदर 1/4 कप चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इन सबको अच्छी तरीके से छान लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से छन चुका है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑल स्पाइस पाउडर डालेंगे, ये लौंग इलायची और दालचीनी का पाउडर है, इसके अंदर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर। अब इसमें 1/4 टीस्पून जितना नटमेग को ग्रेट कर लेंगे। और 1/4 टीस्पून जितना नमक। अब इसके अंदर सोख किए हुए फ्रूट्स डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप दही डाल रही हूँ, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप कैरामल सिरप डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए बैटर को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल ही हल्के हाथों से। देखिए मैंने सारा कैरामल सिरप डाल दिया है। अब ये हमारा केक बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर 1/2 कप तेल डाल रही हूँ, डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब हमारा ऑयल भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमारा ग्रीस और डस्ट किया हुआ केक टिन लेकर इसके अंदर केक बैटर डालेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से टैप कर लेंगे, टैप करने से इसके एयर पॉकेट्स पूरे निकल जाएंगे। तो चलिए इसको अब हम बेक कर लेंगे। देखिए मैंने 10 मिनट पहले ही कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अब अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब इसके अंदर केक टिन को रख देंगे। रखने के बाद इसको अब हम कवर कर देंगे। कवर करके अब इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बेक करेंगे। 5 मिनट के बाद आंच को धीमी करके 45 मिनट तक हम लो फ्लेम में बेक कर लेंगे। और थोड़े से बादाम को मैंने इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कर लिया है, इसको अब हम केक के ऊपर सजा लेंगे। केक अभी आधा पका है, मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखिए मैंने सारे बादाम के टुकड़ों को अच्छे से केक के ऊपर फैला लिया है, केक अभी आधा पकना बाकी है। देखिए 45 मिनट हो चुके हैं, केक को एक बार चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे टूथपिक डाल रही हूँ, देखिए हमारी टूथपिक कितने अच्छे से निकल चुकी है और बिल्कुल भी चिपका नहीं केक। इसका मतलब हमारा केक बन चुका है। गैस ऑफ करके इसको हम नीचे निकाल लेंगे। अब इसको 1/2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर किचन टॉवल को ढक के रख देंगे। इस तरीके से ढक के रखने से केक मॉइस्ट रहेगा। अब 1/2 घंटा हो चुका है, केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसको अब हम किनारों से अलग कर लेंगे। अब केक को डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारा केक कितने अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, कितना मॉइस्ट भी बना हुआ है और कितना स्पंजी भी है। इसको एक बार कट करके दिखा लेती हूँ। देखिए हमारा प्लम केक कितने अच्छे तरीके से बेक हो चुका है और कितना स्पंजी भी है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा एगलेस क्रिसमस प्लम केक बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।